एक काम को एल के द्वारा कि अच्छा ये टाइम एंड वर्क का ही है। एम एक काम को एल के द्वारा किए गए समय से 14 दिन कम में समय पूरा कर सकता है। अच्छा ठीक है, 14 दिन में कर रहा है एम और एल दोनों साथ में 24 दिन। क्या हमने करेंगे इस तरह के सवाल? मैं ऑप्शन से ही बता दूंगा इसका। एम अकेले सामान को क्या है, एम अकेले समान काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? पहली बार जब दोनों 24 में कर रहे हैं तो दोनों एक 48 प्लस करेगा, एक 48 माइनस करेगा। जो जो कम दिन ले रहा है वो इतने में करेगा। कम दिन कौन ले रहा था? एम एक काम को एल के द्वारा किए गए समय से 14 दिन कम में कर रहा है। एम यहाँ आ जाएगा और एल ये कहाँ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 56 कट गया, एम 48 से कम है पक्का। ठीक है, दूसरा अगर 21 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 21 ले लिया 14 जोड़ूंगा तो ये 48 से ऊपर नहीं जाएगा, 21 भी नहीं हो सकता। बचे 35 और 42। ठीक है, 35 में अगर मैं कितने जोड़ूं 14, तो 49 हुआ, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले चेक करूंगा ये, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा है लगभग, है ना। तो इसमें जोड़ लेते हैं, एक 14 एक है ना, 14 का मल्टीपल एक 56, तो 3 और 4 हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या आया? 3 इंटू 4 और इंटू 42 आ गया। एलसीएम क्या आया? 7। क्या आया ये? 6 18 चौके कुछ गलत कर दिया गया, बयालीस और 54 आएगा ना, 42 और 54 ना, यहाँ पे गलत कर रहा हूँ कुछ मैं। एम जो 42 में कर रहा था, 14 दिन कम ले रहा है, तो दूसरा 56 होगा। एलसीएम 14 बाहर लिया, अच्छा ये 14 आएगा, मैंने 42 लिख दिया ना, ये 14 आएगा, ये आएगा 2, 12 आएगा 24, यही आंसर। ठीक, दो ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर चुका था, दो में से सुंदर सही लगा। ये 35 इसलिए लिया है, 35 प्लस 14 कितना हो रहा है? 49, और ये 48 के बहुत पास हो गया, तो 48 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, एक 42 और वो बीच में आ गया ना। ऐसे करेंगे, वैसे वैसे भी ऐसे करेंगे, सारे ऑप्शन उठा और चेक कर, बिना ऑप्शन के नहीं होने का, बहुत टाइम लगेगा। वो वाला सवाल भूल गए, 20-30 और 12 आता है, सेम वही तो सवाल है, उस वाले सवाल को ऑप्शन से करना, ये ध्यान रखना बस। ठीक, आंसर दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने? दो तो मैंने वैसे एलिमिनेट कर दिए, 21 क्यों नहीं हो सकता? एक 48 से ज्यादा होगा, 21 प्लस 14 करूंगा तब भी 35 यार, 48 ऊपर नहीं हुआ। दूसरा वाला 56, जब ये कह रहा था वो एम कम ले रहा है तो 48 से कम होगा, तो 56 वैसे नहीं हो सकता था। बचे 2, तो एक ही बार में आंसर आ गया। ठीक है, हमने आंसर ही वही उठाया अभी। हाँ ठीक है, तो पूछा एम का, तो आंसर एम का दे रखा है ना। ठीक, एक 42 में कर रहा, 256 में कर रहा, इन्हें जेब में रख के वापस लेके जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे तो घर से ले, चलो स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 48। कैसे लिया भाई, कौन बताएगा? उस दिन तो सुन नहीं रहा था। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जितना भी होगा तो उसका डबल कर ले, एक बंदा उससे कम लेगा, उससे ज्यादा लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों बराबर लेते, हाँ, तो एक बंदा उससे कम लेगा, एक उससे ज्यादा लेगा। अगर दोनों वही दिन लेते तो एग्जैक्ट हो जाता 24। जैसे दोनों अगर 48-48 दिन लेंगे तभी 24 आएगा, है ना, सेम हो सकता है, वरना एक का ज्यादा एक का कम। एवरेज कहाँ होता है हमेशा? ये एवरेज का टाइम नहीं बचेगा, तो वो एवरेज का क्वेश्चन बन गया, एवरेज के टाइप का, है ना, हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, अगर दोनों 48 से कम हो गए तो 48 कभी पॉसिबल है ही नहीं, अगर दोनों 48 से बड़े हो गए तो 48 कभी पॉसिबल नहीं है, उसे बीच में ही होना पड़ेगा। ठीक है, और दुगना इसलिए कर रहे हैं, बंदे दो हैं, वो आधा काम ये करेगा आधा काम ये करेगा। पानी पिएगा कोई? पानी पिएगा, देख लो मैं गर्म तो नहीं है। ना मजा आया खाना खाने में। चलो क्वेश्चन नंबर 21 से अब कोई नहीं बोलेगा, सीधा सवाल करेंगे, नहीं मैं काट दूंगा स्टार्टिंग के, देखो ब्लर नहीं हो रही हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, 3 pipes PQR कैन सेपरेटली फिल्ड एट सिस्टर्न इन 4, 8 और 12 आवर्स, अनदर पाइप एस कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड सिस्टर्न इन 10 आवर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन लेस टाइम देन अदर. बताओ भाई क्या पूछना चाह रहा है. इन चारों में से हाँ ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, चार आठ बारह और ये क्या है दस, सबके एफिशिएंसी से निकाल लो. क्या एलसीएम आएगा, साठ. देखो बारह और दस से साठ आता है, एक साठ का 120, एक दो रह जाएगा है ना 120. ज्यादा लेने से कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी, ठीक है. हाँ हम भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे ना नेगेटिव का. चलो ये क्या आ जाएगा 30, ये क्या आ रहा है 15, 10 और ये 12, ये नेगेटिव का है. जो ऑप्शन में कह रहा है वही केस बनाने हैं. क्यू अलोन, क्यू कौन सा था, पी क्यू आर एस था ना, तो क्यू ये है 8, पहले ऑप्शन में एफिशिएंसी आ रही है 8, ठीक. दूसरे ऑप्शन में आ रही है पी आर, पहले लिख लेता हूँ पी क्यू आर एस है ना, पी और आर कितने के, क्योंकि 15 है, सॉरी 15 एफिशिएंसी है, मैंने ऊपर की रख दी, ठीक है. तो पहले ऑप्शन की एफिशिएंसी 15 है, दूसरे की क्या आई है, पी आर को जोड़ना पड़ेगा, पी और आर 35 और 40, 40 में से क्या माइनस कर दूं 12, 40 में 12 गए तो क्या 28, 18, ठीक. चलो पी एंड एस, पी एंड एस तो 30 में से 12 गए तो ये 18, अब 18 ठीक. ऑप्शन डी पी क्यू एस, पी क्यू 30 में 45, 45 में से 12 गए ये सबसे ज्यादा आएगा, 45 में से 12 गए हाँ 45 में 12 गए 27 ठीक 33. तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो सबसे तेज भरेगा. हाँ. सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, इसकी, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है. 18 पी और एस की, पी की एफिशिएंसी 30 लेकिन एस निकाल रहा है तो एक घंटे में केवल 30 में से 12 गए 18 भरा जाएगा, ठीक है. इसमें केवल कौन सा था, कौन कहा गया सवाल, इसमें क्यों अकेला था, क्यों अकेला मतलब 15 या 15 घंटे में भरेगा है ना, 15 घंटे ऊपर आ रहा है ना, ठीक है. जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो तेज भरेगा ना, ऑब्वियस सी बात है. तो सबसे तेज कौन भरेगा, ये इसने ये पूछा नहीं था कितने देर में भरेगा, वरना 120 बाई 33 कर देते, ठीक है. चलो तेज भरेगा जिसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वो सबसे तेज भरेगा, ऑप्शन डी ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 22 बताओ. A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours. If the tank is full of water and a tap is opened, tank भरा हुआ है भाई, ठीक है. Which admits a tap is opened which admits 4 liter of water per minute in the tank. 4 liter डाला हर मिनट में, ठीक. The leak takes 15 hours to empty the tank. बताओ भाई कौन बताएगा? एक काम कर लेते हैं चलो. Yeah. चार लीटर पर मिनट, आंसर पता क्या आएगा, आंसर आएगा चार लीटर, चार इंटू साठ एक घंटे में इतना, ठीक इंटू पांच है ना, कैसे है आंसर, यही है चेक कर, 1200 पांच घंटे में खाली कर रहा है. तूने सही देखा है ना 22 का. हाँ. पहले तो मैं देख लेता हूँ 22 का डी. The leak takes 15 hours to empty the tank. क्या पूछा इसने? How many liter of water? अरे टैंक की क्षमता पूछी है यार. चलो. इसमें क्षमता कितनी आएगी? बताओ. पहले या वैसे पहले बेसिक से कर लेते हैं हमारा ना, ये 10, ये कितना 15, ये ए मान लेता हूँ, ये ए बी, जिसमें बी कौन सा है इनलेट वाला है, ए निकालने वाला, ए माइनस वाला है,
दस घंटे में निकाल रहा है ना। अगर बी रखना है तो इसे बी रख और इसे भी बी रख, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या आया, तीस, ये क्या आया, तीन, दो। तो भैया तीन निकाल रहा है, यहाँ दो कम क्यों हो गए, क्योंकि एक उसने डाला होगा, ठीक है, एक डाला होगा, इसका मतलब वो हर घंटे तीस डाल रहा है। हाँ तो तीस, तीस घंटे में, हाँ चलो अब देखते हैं, हमारे हिसाब से एक यूनिट डाल रहा है, इसके हिसाब से कितना डाल रहे वो, चार पर मिनट, पर मिनट तो 240 आएगा है ना, एक घंटे में, क्योंकि मिनट है, अरे एक मिनट में चार कर रहा है तो इनटू 60 करूं क्या आएगा, ये पर आर निकल के आया ना, ये 10, ये आर में था, ये भी आर में था, तो ये पर आर आया ना ये, ठीक है। तो हमारे हिसाब से एक घंटे का कितना आएगा, 240 आएगा, ठीक, एक मिनट में चार तो एक घंटे में 240, 60 से इनटू कर दिया, ठीक है, हर मिनट में 240 डाल रहा है, ठीक है, करो 30 × 240, ठीक। आगे बेसिक से, यहां से क्यों नहीं हो रहा, हर मिनट में, हर घंटे में, हर घंटे का 240 है ना, हर मिनट का चार दे रखा है, तो घंटे का कितना हो गया, 240। तो ये हमारा, हमारे हिसाब से एक मिनट था, इसके हिसाब से 240 है, तो 230 की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 30 इंटू कर दूंगा, ठीक है। आगे आंसर, वहां से ये निकला है कि बी ने इतना पानी डाला है, ठीक है, बी का ये निकला, उसने कितना पानी डाला है, तो 1200 पानी उसने डाला है, ठीक, 60 निकला है, चलो निकला है, ये देखो, हाँ तो ये वाले देख लो, छोड़ो ये, बाहर आराम से बैठ के लाइब्रेरी में दिमाग लगाना है ना, डायरेक्ट यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे 10 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देता, तो 5 घंटे एक्स्ट्रा लगे, दस गुण इनको 60 क्यों कर रहा है, तो उससे छोटा तो फिर यही बढ़ जाएगा ना, दोनों को ऐड कर दो, हाँ तो निकालेगा, कैसे निकालेगा, तो देख रहा, चलो ये वाला ठीक है, ये वाला देखो, ऐसे ही करते हो ना तुम, चलो बाकी वो दिमाग लगाना है तो जाकर लाइब्रेरी में लगा लेना। ये 10 घंटे में निकाल रहा था पानी, ठीक है, बी के साथ मिलकर 15 घंटे में निकाला है, ठीक है, ज्यादा टाइम लगे क्योंकि ये पानी अंदर डाले जा रहा है, एलसीएम 30 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, ये -3 था, ये -2 रह गया, क्यों, जब इसमें एक जोड़ा होगा तभी तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक, हम कह रहे हैं उसकी एफिशिएंसी एक है हर घंटे की, और ये कह रहा है उसकी एफिशिएंसी है 4 लीटर पर मिनट एक मिनट में, तो इसके हिसाब से घंटे की एफिशिएंसी क्या है इसकी, इनलेट वाले की 60 से इनटू कर दूं 240 इन 60 मिनट, मतलब एक घंटे की, हम कह रहे हैं एक यूनिट है उसकी एफिशिएंसी, और ये कह रहा है 240 है, तो इसका मतलब एक ही कुछ 240 हो गया, ठीक है, तो पूरे टैंक की क्षमता क्या है 30, तो 240 × 30, ठीक है। चलो क्या मैंने कुछ और तरीके से करा है पहले, नहीं ऐसे करा है, ज्यादा सर नहीं मारा ना, क्योंकि सवाल आते नहीं है, सवाल कभी कभार ही देखने को मिलेगा इसका, है ना, हाँ टाइम वक्त ही मिलेंगे, तो मैक्सिमम ज्यादा सर मारने का फायदा क्या है फिर। अब वो एंड अ गर्ल सबसे ज्यादा ऐसे सवाल आते हैं एवरेज के, है ना, एवरेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, फिर बाकी सबसे एक एक दो दो ऐसे ही आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एवरेज क्या आते हैं, एवरेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, इस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, इस पर क्या सब पे होनी चाहिए। अ बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टर्न विद वाटर, द बॉय पोर्स 4 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 3 मिनट, हर 3 मिनट का तो 1 घंटे की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, है ना, और लड़का लड़की 3 लीटर पर 4 मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो पर मिनट ही निकाल लो, देखो आंसर मिनट में दे रखा है तो मैं पर मिनट की एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, देखो 4 लीटर 3 मिनट में, 3 लीटर 4 मिनट में, है ना, या तो 1 मिनट की एफिशिएंसी निकाल लो, या 12 की निकाल लो, या 60 मिनट की निकाल लो, कैसे भी कर लो, है ना, 12 कर लो, कैसे भी कर लो, हमें
एक लिमिटेड टाइम पे दोनों की क्षमता निकालनी है, तभी तुलना कर सकते हैं ना। या तो एक पे निकाल लूं तीन से चार से, या बारह कर लूं, या साठ बना लूं पूरा एक घंटे में निकाल लूं, ठीक है कैसे भी कर लो। तो बारह कर लेते हैं इसे चार से, तो ये सोलह लीटर, बारह में बारह बीच में आ गया, ये कितना करेगा, ये नौ लीटर। तो हर हर बारह मिनट में कितना काम हो रहा है, पच्चीस लीटर काम हो रहा है, ठीक है बारह मिनट में हो रहा है, ठीक है। तो इसे चार से इंटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, अड़तालीस मिनट में आ जाएगा, सौ लीटर है ना, सौ बना लिया इधर मैंने, है ना। आर्ट्स में भी कर सकते हो, इसे ऐसे कर लो, बीस से इसे बीस से इंटू कर लिया, ये क्या आ जाएगा अस्सी लीटर कि साठ मिनट में, है ना। और ये कितना आ जाएगा, इसे पंद्रह से करना पड़ेगा साठ बनाने के लिए, ये पैंतालीस लीटर, ये भी साठ मिनट में। तो साठ मिनट में काम कितना हो रहा है, सौ प्लस पैंतालीस एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस काम हो रहा है साठ मिनट में। तो सौ काम कितने देर में होगा, ये कर लेना बस, चार बटे पांच और पांच से कट जाएगा कितना, बारह, बारह चौके अड़तालीस, ऐसे भी निकल जाएगा। एक पे करोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है चलो कैसे भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24। थ्री पाइप्स ए बी सी कैन फिल द सिस्टर्न इन सिक्स आवर्स, तीनों मिलके छह घंटे में भर देते हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर टू आवर्स सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी फिल इट इन टू इन सेवन मोर द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल सिस्टर्न इज, बताओ भाई। मुझे नहीं पता, देखो सत्रह तो अटपटा से आ रहा है, जब भी मैं अगर इसमें आंसर मारूंगा तो चौदह सोलह ही मारूंगा, मैक्सिमम टाइम इवन ही होते हैं, अच्छे नंबर लगते हैं चौदह सोलह, है ना। ऐसे नहीं आता ना कभी, सत्रह तो आई नहीं, तब सत्रह तो बिल्कुल नहीं मारूंगा। कभी देखा तुमने सत्रह दिन में कोई भरता हुआ, ऐसा कोई सवाल देखा कि एक सत्रह दिन में भर रहा है, एक उन्नीस दिन में भर रहा है, प्राइम नंबर नहीं आते कभी, कम आते हैं बहुत ही। कोई देखा तुमने बुक में, तुमने सवाल कर लिए, हमेशा ऐसे आते हैं तीस दिन चालीस दिन पैंतालीस दिन, है ना साठ दिन। तो ये सत्रह तो बिल्कुल नहीं मारूंगा मैं, तुक्का मारना होगा तो, ऐसे तुक्का मारेंगे क्यों आता है हमें। ए बी सी छह घंटे में, जो बाहर जा रहा है रोक लो, फिर रोकेंगे कैसे, देखो ए बी सी का कितना काम बचा हुआ था, ऐसे कर सकते हैं एबीसी का चार दिन का काम बचा हुआ था, है ना। तो एबीसी को रख दो हैं चार, एबीसी का चार काम बचा हुआ था जो बी और ए ने, है ना, ए और बी ने करा है सात दिन में करा है, यहाँ से ए बी माइनस कर दूंगा, सी के एवेंस निकल जाएगी, ये सात घंटे अधिक लगाता है ये बोल सार बचे हुए काम में। एंड ए एंड बी फिल इट इन 17 आवर्स मोर, सात आवर मोर, इसके बाद सात आवर्स में भर दिया उसने, ये कहना चाह रहा है वो। तो टोटल काम दो प्लस सात क्या, मोर तो लिखा है, सी इज क्लोज एंड ए एंड बी फिल इट इन सेवन आवर्स मोर, मोर देन का लिखा है, ये कह रहा है मोर देन क्यों आएगा इसमें, पहले नहीं बता क्या सेंटेंस बन रहा, मोर देन से कोई सेंटेंस नहीं बनता यहाँ पे, इसने आवर्स मोर का मतलब है कि यहाँ से आगे सात घंटे और लगे, हिंदी में क्या दे रखा तुम्हारा, ऐसे क्यों कन्फ्यूज हो रहे तुम भैया, ये कह रहा है जब ए और बी को सात घंटे का, हाँ तो ठीक तो दे रखा हिंदी में भी, भैया किसका अधिक लगता है, यहाँ से आगे काम बचा हुआ काम करने में सात घंटे अधिक लगता है उसे, जो काम हो चुका है नहीं ऐड नहीं करना, वो इससे आगे बस सात घंटे लगे हैं उसे बचे हुए काम करने, ऐसा सवाल आया कोई, कहाँ आया बता पहले सवाल, कोई सवाल नहीं आया ऐसा, ये तू जबरदस्ती का सवाल बना रहा है इसमें, ऐसा कोई सवाल नहीं है, हम इससे पहले वो भी कर लिया हमने, कौन सा चैप्टर करा इससे पहले, वर्क एंड वेजेस, उससे पहले दूसरा सवाल उससे करे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जैसे लैंग्वेज तू बना रहा है, तू उस लैंग्वेज को गलत समझ रहा है, तो तू ये समझ रहा सवाल में फिर, है ना, कि यहाँ से बचे हुए काम में तो सात दिन लगे, इस टाइम एंड वर्क में नहीं आया ऐसा कोई सवाल, ठीक। चलो चार और सात ये आ जाएगा अट्ठाईस, ठीक, और ये पूरा काम नहीं है क्योंकि दो दिन का काम मिसिंग है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा सात और चार, तो इसका मतलब सी की आ गई तीन, ठीक है, सी का पूछा, देखो तीनों की एफिशिएंसी आ गई सात, और मुझे पता छह दिन में कर लेते हैं, तो छह इंटू सात, ठीक है, तीन से डिवाइड कर दूंगा चौदह आ गया, ठीक है सिंपल सा। चलो
अरे लैंग्वेज में कुछ नहीं है, इसका मतलब यही होता है। ऐसा कोई सवाल नहीं है, तुम क्या बताना चाह रहे हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हें क्या कंफ्यूजन हो रहा है? किस में जोड़ दो इसे? सात को किसमें जोड़ा तुमने? हाँ, किससे लग रहा है तो पूछना चाह रहा हूँ। तो ये समझना नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो इस सवाल में। ठीक है, ध्यान रखो, ऐसा कोई लैंग्वेज थी नहीं कभी पहले भी किस सवाल में। हमेशा से लैंग्वेज यही है कि इससे आगे सात दिन लगे हैं। ठीक है, अगर एबीसी लगे रहते तो इतने दिन में खत्म हो जाता, छह दिन में, चार दिन में, और ये आ गए, वो चले गए, तो सात दिन लग गए। ठीक है, चलो अगला देखो, 25। बहुत आसान सवाल है, दोनों मिलके तीन गुना ज्यादा एफिशिएंट है, तो एक की तीन, एक की एक, एक की तीन, एक की एक, दोनों के ऑप्शन से चार, तो चार से इंटू कर दे टोटल वर्क, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस यही पूछा, बस क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। अगर तेज का पूछ ले तो तीन कर देता मैं यहाँ पे, धीरे का पूछ लिया तो एक से कर दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, क्योंकि इसके बाद सिर्फ वीडियो में रह जाऊंगा मैं, है ना, तो इस वीडियो देख लेना, अगर तुम्हें समस्या होगी तो तुम पूछ नहीं पाओगे, ना ना मैं भाग जाऊंगा ग्रुप से, मैं परेशान करोगे तो नहीं, तुम एक्टिव रहना, मैं एक्टिव नहीं रहूंगा। हाँ मैं रहूंगा, मैं ऐसे नहीं, मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी जवाब कहाँ देता हूँ, मैं अभी भी, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा, जब मैं खाली में नहीं देखता, तो जब मैं बिजी हूँ तब कैसे देखूंगा, सबको ब्लॉक मार दूंगा एक दौरे से। नहीं, कुछ का नंबर सेव है, तेरा सेव है, इसका सेव है, इसका सेव है, इसका सेव है, इसका सेव है, इन दोनों का सेव नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 26, काशी इसका सेव नहीं है। हम बाद में बात करेंगे इन सब बारे में, है ना, अभी सवाल कर लेते हैं। चलो 26, क्वेश्चन नंबर 26, थ्री टैप्स ए बी सी टूगेदर कैन फिल अ एम्प्टी सिस्टर्न इन 10 मिनट्स, द टैप ए अलोन कैन फिल इट इन 30 मिनट, तीनों मिलकर 10 मिनट में, ए 30 मिनट में, बी 40 मिनट में। आसान सवाल है, बेसिक से सवाल हो गया, 10 30 40, ये ए बी सी, ये ए बी निकाल लेंगे, कल जल्दी जल्दी बताओ क्या आ रहा है, 120 आएगा, 120 आ रहा है, 4 एक आया, 3 4 3 5 आ गया, 5 से डिवाइड कर दूंगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला करो, 127 आ गया, केवल 27। A tap can fill an empty tank in 12 hours. Another tap can empty half the tank in 10 hours. तो पूरा वो 20 घंटे में भरेगा, कितना सा है बस, है ना? एक बार है, एक 20 में। हाँ, वो ये 20 घंटे में खाली करेगा। If both taps are open simultaneously, how much will it take to fill? देखो, पहले तो ये 12 घंटे में भर रही है और ये 20 घंटे में खाली कर रही है पूरी। 10 का 20 कर लिया मैंने, सिंपल सा है, ठीक है। हाँ, जब आधा 10 घंटे में कर रहा है, हाफ 10 घंटे में कर रहा है, तो एक कितना में करेगा, 20 में। ठीक है, अगर ये कहता एक तिहाई 10 घंटे में, तो तीन को उधर भेज देता, अगर कहता 2/3 10 में, तो तीन हाथ दो इधर, है ना, तो वो सब निकाल लेंगे अगर उसने दे दिया। अब कह दे हमने 2/14 इतने में भरा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, है ना। चलो अब कुल मिलाकर ये कौन बताएगा टंकी भरी जाएगी खाली होगी, है ना, सवाल ही हुई है ना। अगर मैं पूछ कितने देर में खाली करेंगे, तो अभी भी आंसर बता दोगे। हाँ, तब ध्यान रखना, अगर मैं पेपर बनाऊँ तो ऐसे ही बनाऊँ, सारे सवाल ऐसे ही बनाऊँ, हर चैप्टर में से, है ना। हाँ, सारे वो बस आंसर निकाल गए, सब फेल एक दूसरे से, है ना। हमें पूछूंगा इन्हें ना, वो सारे सवाल ऐसे स्टार्टिंग से एंड तक। हाँ, हमें इसमें ये पूछना कितने देर में वो खाली करेंगे, सब मार्क आएंगे जितना जो आंसर आ रहा होगा, वो कितना आ रहा है, और एक ऑप्शन दे दूंगा, नन ऑफ दिस, सब मार्क आएंगे, वो पक्का वही मार्क आएंगे। और ये केवल ये चैप्टर नहीं, हर चैप्टर में ऐसा काम, कई चैप्टर पूछूंगा मैं ना, नहीं नहीं नौकरी देंगे फिर, मैं वो हटा दूंगा कि कट ऑफ तो तब भी रहेगी ना, है ना, कट ऑफ तो तब भी रहेगी। जो अब मान लो 100-400 में से 320 पे गई है हमारी, 326 पे, वो 326 की जगह 126 तक जा जाए, 26 पे रह जाएगी, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 26 की जगह और 24 पे कर लेंगे, बताओ 5 नंबर पे कर लेंगे, है ना, कुछ तो स्कोर करेगा ना बालक,
कुछ तो लगेंगे ना, तो नहीं ले लेंगे। चलो 12 20 ये कितना आ गया 60, ये कितना 5 3, तो हर घंटे 2 भरा जा रहा है, तो 30 कितने देर में भरा जाएगा, आधी पूछ रहा है, तो 30 बटे 2 15 आ गया। ठीक है चलो अगला देखो, बोलिए भरता है 30 में है ना। क्वेश्चन नंबर 28 भाई, ये आपने आधे से क्यों नहीं निकाल लिया, क्या आधे से नहीं क्यों निकाल लिया, 20 कर दिया आपने, अपना एक ही बना लिया इसको, 10 का डबल करा, हां आसान पड़ता है, या उसे आधा कर लो, उसे 12 घंटे वाले 12 कर सकते, 12 का आधा कर लो, क्योंकि उसने पूछा ही आधे का था, तो ऐसे कर लो इसे 6 से 10 और अब सीधा आधे के टंकी का निकल का आएगा, अब सीधा ही आधे टंके का निकल का आएगा, क्योंकि आधे टंके छह भर रहा है, आधे घंटे आधे टंके इसमें भर रहा, दोनों आधे टंके कितने देर भरेंगे, जो आंसर आएगा आधे टंके का ही आएगा है ना, हमें पूरे टंके के निकालने के आते थे, तो पूरे से निकालो, हाँ हमारी गलती कर दोगे। 28 चलो करना, प्रैक्टिस का टाइम करना, एग्जाम में वैसे करना। अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 40 मिनट्स, सेकंड टैप कैन एम्प्टी, दूसरी खाली कर रही है 60 मिनट में, ये टंकी भरेगी खाली होगी, ये बताएगा ललिता बताएगी, पहली 40 मिनट में भर रही है, दूसरी 60 मिनट में खाली कर रही है, तो अगर यही दोनों को साथ में खोल दो तो टंकी भरेगी या खाली होगी, भरी जाएगी, क्योंकि भरने वाली तेज है, है ना, जो टाइम कम ले रहा है तो मतलब जल्दी भर रही है, उसके एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है चलो छोड़ो, 40 60 ए और बी, ये नेगेटिव वाली है, ये क्या आ जाएगा एलसीएम, 220 आ रहा है, ये 3 और ये 2, तो हर घंटे 1 यूनिट भरा जाएगा। हम चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है, बाई मिस्टेक विदाउट क्लोजिंग द सेकंड टैप द फर्स्ट टैप वाज ओपनड इन हाउ मेनी मिनट्स विद द एम्प्टी, अरे ये तो आसान सा हो गया, तो 120 भाई, एक दोनों को पूछ रहा है, इतनी लंबी लैंग्वेज दे रखी, सीधा पूछ लेते तो कितनी देर भरी जाएगी। ठीक है 120 आंसर आ गया, अगला करो चलो, 29 वो भी नहीं बोल रहा आज, वो भी क्या हो गया, तेरा हाथ तन दिखा मुझे इस चैप्टर में, ऐसा लग रहा है ना, आगे फिर ठीक है, पाइप पी क्यू, अरे आज हम फिर भूल गया मैं तो यार, जाते वक्त नंबर पूछूंगा तुम्हारे, पाइप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, मैं अभी पूछ के मैं भूल जाता हूँ ना, फिर हम पास रिकॉर्ड रहेगा, पिछली बार कोई किसके कितने थे, कोई झूठ नहीं बोलेगा, सबके स्क्रीनशॉट मंगाऊंगा मैं है ना, जाके सब अपने स्क्रीनशॉट चेक करेंगे, कभी कोई झूठ बोल के चल जाए यहाँ पे, भैया इतनी परसेंट है, इतने नंबर है, तुमने स्क्रीनशॉट भेज देना, सबको चिपका दूंगा, सिर्फ तुम नंबर बताओगे उस पर साइड में, पी एंड क्यू कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स, 12 आवर्स, सी कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स, चलो 10 12 और ये 6, ये बड़ी तेजी से खाली कर रही है, चलो क्या है एलसीएम, 60 आया, 6 5 10, तो 11 भरा जा रहा है और एक, हाँ हर घंटे एक भरा जा रहा है, अगर ये तीनों एक साथ खुले तो, लेकिन इसने क्या क्या रखा है, तीनों 7 बजे खोल दी, ठीक है, एट व्हाट टाइम विल 1/4 कर रहा, तो काम को आधा 1/4 कर लेता हूँ, 60 का 1/4 15 है, 15 घंटे भर जाएगा है ना, 7 बजे में जोड़ोगे 15 घंटे, 7 बजे में जोड़ दो 15 घंटे, अब 3 घंटे और जोड़ो, ठीक है 7 और 12 जोड़े तो 7, शाम के 7, शाम के 7 में 3 और जोड़ दो, एएम तो पीएम हो जाएगा, हां ठीक है 7 और 3 10, फिर शाम के रात के 10 बजे, सुबह के 10 बजे मत मार देना, पहला ऑप्शन 10 एएम है ना, हमें 15 आवर्स लगे ना यहाँ से, हमने खोली कब थी, सुबह के 7 एएम पे, इसमें 15 घंटे जोड़ने हैं, तो बाहर सबसे पहले 12 जोड़ लें, 12 जोड़ ले तो 7 के पीएम पहुंच गए, 7 पीएम पे, अब यहाँ से 3 और जोड़ लो, 7 प्लस 3 10 10 पीएम, ठीक है चलो, इसने दोनों ही पास पास दे रखे हैं, 10 भी दे रखा है, 11 भी दे रखा है, जो तुम थोड़ी सी गलती कर दो और 11 कर दो, ठीक है ऊपर नीचे कर दो, और एएम पीएम दोनों दे रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही ऑप्शन बनाए जाते हैं, असिस्टेंट इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स बट टेक्स अनदर 2 आवर्स लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ अ लीक ऑन इट्स बॉटम, इफ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन। चलो आसान सा है, मुझे उसकी अगर एफिशिएंसी बच चल गई तो बच चल जाएगा, मैं सीधा बेसिक से ये कर लेता हूँ है ना, ये 8 घंटे में बढ़ सकती थी, लेकिन अब ये 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है, तो मतलब अब 10 घंटे ले रही है, क्योंकि वो छेद पहले से खुला हुआ है स्टार्टिंग से ही, अधिक ले रहा है ना, ये कह रहा है अगर वो अकेला बढ़ता तो 8 घंटे में भर देता, लेकिन उसमें क्या, एक टंकी में छेद था पहले से ही, तो छेद की वजह से 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, हाँ दोनों चल रहे हैं, तो ये ए बी है और ये ए है, आगे बात समझ में क्यों ऐड कर रहे हैं,
ये तो इसने कंडीशन बता दी, ये करता इतने में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक, तो ये क्या हो गया, एलसीएम बताओ भाई क्या आया, 40। ये पांच और ये चार, ये पांच से चार क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस वन कर रहा होगा बी, है ना। तो ये भैया पूरा पूछा तो 40 घंटे में भरे, खाली कर देगा ये, अगर 40 एफिशिएंसी 40 भरा होगा तो 40 घंटे में खाली कर देगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा 31 बार देख लेते हैं, चलो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कम है। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप ए इन 2 आवर्स, पाइप बी इन 6 आवर्स, एट 10 AM पाइप ए वॉज ओपन एट वट टाइम। चलो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, देखो ये 2 घंटे में 6 घंटे में, तो ये 3 गुना टाइम ले रहा है, तो ये 3 गुना एफिशिएंट हो गया, है ना, सिंपल सा है, फिर भी ले लेते हैं हम 3 और 1। ठीक है, एट 10 AM ए वॉज ओपन, 10 बजे ए खोल दिया, दोनों ये इनलेट वाले हैं पाइप, ठीक है दोनों भर रहे हैं ना। एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट, तो देखो 10 से 11 तक ये 3 काम कर चुका होगा, ठीक है, अब 3 बचा हुआ है जो दोनों मिलकर करेंगे, 4 की एफिशिएंसी से करेंगे, ठीक है, इंटू 60, देखिए आ जाएगा 15-45 मिनट और लगेंगे, तो 1 घंटा 45 मिनट लगेंगे, है ना, तो 11 बजने के बाद 45 मिनट लगेंगे, है ना। चलो 10 बजे हाँ, टोटल 1 घंटे 45 मिनट लगा ना, लेकिन 11 बजे से दोनों चालू हुए थे, उसके बाद 45 मिनट में काम खत्म, तो 11 बज के 45 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अजान पूछ के इसने 12:45 दे रखा कि कोई बालक 1 घंटा 45 कर दे ऐड 11 में, हाँ कि कोई बालक 1 घंटा 45 मिनट रखेगा, 11 मिनट जोड़ेगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा और सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा उसके। ठीक, ऐसी ऐसी उसकी वजह से मेरे समय सुनी आ पाए मेरे ना 10वीं में ना 12वीं में। ठीक, 12वीं में क्या करा था मैंने, 12वीं में कुछ ऐसी कैलकुलेशन थी मेरी, एक सवाल था हमारा प्रोबेबिलिटी का, सिर्फ इसे छोड़ के 6-6 मार्क्स के हमारे 5 सवाल थे, 5 या 6 थे, सारे सवालों में दोबारा से करे, एक सवाल नहीं करा मैंने, उसमें ऐसा था प्रोबेबिलिटी का 1/3, इधर मान लो 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/3, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें मैंने क्या करा, इनमें से 1/3 कॉमन लेकर काट दिया। ठीक, मैंने ऐसे करा, ये 1/3 काट दिया, नहीं नहीं पूरी बात सुनना, ये कट गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, ये नहीं काटा और इसकी वजह से मेरा आंसर ही बदल गया, है ना, और इसकी वजह से आंसर बदल गया, उसने 3 नंबर काट दिए मेरे, मेरा इतना खून फूका जैसे मैं 3 नंबर काट दिए मेरे 12th के बोर्ड में। ठीक, काश हो जाता, मैं इसको चेंज कर रहा था मेरे समझ से होते, है ना, ऐसे 10वीं में हुआ, 10वीं में क्या एक ओजीव होता था, याद है तुम्हें, एक ऐसे बनता था चार्ट, एक ऐसे बनता था, और जहाँ पे आते साथ मीडियन में होता था या मीन होता था, मीडियन होता था, है ना, इसका फॉर्मूला होता है एक, अगर फॉर्मूला रखोगे डायरेक्ट मीडियन आ जाएगा। ठीक, तो मैं लेकिन मैंने क्या करा, मेरे पास था टाइम कम, ये प्रोबेबिलिटी का केवल जैसे मैं बता रहा ना, प्रोबेबिलिटी का वही वाला सवाल मैंने चेक नहीं करा, बाकी सारे सवाल मैंने दोबारा करे, इतना टाइम था मेरे पास, 3 घंटे के पेपर में 2.25 घंटे में कर लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी का मैंने चेक करा, इसमें क्या गलती होगी, छोटा सा तो है उसी में गलती होगी। ठीक, इसमें क्या करा, इसमें तो खैर 10वीं मेरे पास टाइम नहीं बचा था, 10वीं मेरे 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में ही हुआ लगभग, 1 आधे मिनट पहले ही खत्म हुआ था, तो इसमें क्या करा, इसमें मेरे पास फॉर्मूले से निकालने का टाइम था, 1 मिनट में निकाल जाता आराम से, फॉर्मूला छोटा सा ही होता है, तो मैंने छोड़ जल्दी, पहले आ गया था, मैं पहले बना लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ये 46.5 इसका मीडियन का आंसर था, मैं लगाया 46.2 जो मेरे को ग्राफ से दिखा ऐसे। ठीक, नहीं ऑप्शन तो होते ही बाहर नहीं आया यार, निकालना होता है, तो मेरा 40 पॉइंट किया गया 46.2 क्या मेरे को आंसर, मुझे पता नहीं मैं क्या करके आया हूँ, मैं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं आके बता सकता हूँ कितने मार्क्स आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का मुझे आते ही पता चल गया, जैसे हम बाहर निकले कि प्रोबेबिलिटी का कितना आसान सवाल आया यार, जब उसने आंसर बताया, मगर मेरा आंसर तो अलग आ रहा है, ये तो नहीं है, है ना, मैथ्स के मेरे को याद रहते हैं मेरे को सारे आंसर किसके क्या था, ऐसे मैंने जब वहां से निकला था ऐसा ही में, तो जितने सवाल डिस्कस होंगे सबके आंसर याद थे। ठीक, लेकिन किसी का मेरा गलत नहीं आ रहा था। ठीक, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सवाल मिस कर गया हूँ, कि 40 में से मुझे 5 सवाल मेरे को ध्यान नहीं है कौन से थे, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो मेरे को याद है सबके आंसर तक याद होते हैं मेरे को। ठीक, तो इसका तो मुझे इसका तो 10 दिन रहा था कि मेरे तो पूरे हैं, बाकी जो मेरे दोस्त थे उन्होंने दोनों को बच चल गया, हमारे सवाल गलत होंगे, मुझे नहीं बच चला था कि मेरे, फिर कई दिनों बाद बच चला इसका 46.5 था, ऐसी डिस्कशन में वो 46 पॉइंट ओजी वाले का, मगर नहीं 46.5 नहीं था, 46.2 था,
फिर दोबारा से सवाल करा घर पे बैठ के फॉर्मूले से करा, तब पता चला यार 46 मिनट इसमें भी दो नंबर कट गए मेरे, इसमें 98 रह गए। ठीक, तो वो सिली मिस्टेक ना आज तक अफसोस होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद लोग। हाँ नहीं, अब क्या मैंने नहीं करी, अब क्या ऐसा है कि मैं नहीं करी मैंने, अब क्या एक दो सारे दोबारा से सोल्व करे मैंने, सारे पहले डेट सम से कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने मल्टीपल से, फिर मेरे पास इतना वक्त था कि मैंने सारे कैलकुलेशन दोबारा से कर दी। हाँ सेकंड टाइम पे कैलकुलेशन मैंने पेपर कर लिया था 1 घंटे 30 मिनट में, जो मैंने एक सवाल बता रहा था ना वो उसमें दे रखा था 3.4 इसकी वैल्यू ये रखनी है, वो पाया उसका कौन सा था, वो उसका वॉल्यूम निकालना था क्यू स्फीयर का है ना, जिसमें ऑप्शन बहुत पास पास थे, वो मैंने नो के वैसे करा था नो के मल्टीपल से, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन ही करी उसकी एग्जैक्ट, मैं कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है मेरे पास एग्जैक्ट वही आंसर है। उसके बाद फिर हाँ उसके बाद मैंने जब सारे सोल्व कर लिए फिर टाइम बचा, फिर मैं पहुंच गया हिंदी पे, हिंदी चेक करे, फिर जीके में चेंज करा मैंने, जीके में मैंने क्या करा, ऑप्शन भी नहीं गांधी वाला नहीं, उसमें पूछा था किस राज्य में, हाँ किस राज्य में मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, मतलब सबसे अच्छी है, तो वो मैंने बी में था केरला, तो मैंने केरला ही लगा रखा था, लॉजिक क्या था, केरला की लिटरेसी ज्यादा, जहाँ की लिटरेसी ज्यादा वहाँ लोग मरेंगे भी कम, अवेयरनेस ज्यादा होगी, है ना, सिंपल। लेकिन बाद में जब मैं वापस आया यार सी, मैं सी से भटक रहा हूँ, मेरा ऑप्शन सी है, हर ऑप्शन में सी मारता हूँ, उसमें आ रखा था कर्नाटका, मगर ये यही सा लग रहा है कर्नाटका में, है ना, तो कर्नाटक का बिलाग आ गया, वही एक सवाल है जिसका मेरे को अफसोस है, बाकी कोई सवाल मेरे को अफसोस नहीं है, पूरे 160 सवाल में से ना बाकी किसी सवाल में अफसोस नहीं है, वही एक सवाल है, बाकी इतना चलता है ना, पानी भेजना चाहिए पानी पीने के लिए, हमारा खुद का टाइम वेस्ट हो गया, मैंने गर्दन पूरे 2 घंटे मतलब मेरे 1.5 घंटे पेपर हो गया था, उसके बाद भी मैंने गर्दन साइड में नहीं देखा कौन बैठा, तब भी मैं सिस्टम में ही था, हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना था लास्ट सेकंड तक। अच्छा वैसे पोज करके मोमेंटम बिगड़ जाता पागल, इनिंग ब्रेक में देखा क्रिकेट के बीच में इनिंग ब्रेक आया था, उसमें मोमेंटम बिगड़ जाता, बारिश बढ़ जाती है, आगे प्लेयर आउट हो जाते हैं, फिर जैसे बांग्लादेश में हुआ था लिटन दास आउट हो गया था, मोमेंटम बिगड़ जाता, तुम जो मोमेंटम में हो ना वो बिगड़ जाता। चलो अगला क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन नंबर 32 करो, चलो अरे बाद में बात करेंगे, वीडियो चल रही है, चलो इससे मुझे वो याद आया, चलो बाद में बताऊंगा। 3/5 ऑफ द सिस्टम इज फिल्ड इन 1 मिनट, द टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट, आसान सवाल है, 3/5 एक तो 2/5 कितने में होगा, ठीक है आसान सवाल है, 3 से डिवाइड करके 2 से इंटू कर दूंगा, ठीक है चलो अगला कर लो, 33 अ टैंक कैन फिल 2 पाइप इन 20 मिनट और 30 मिनट व्हेन द टैंक वाज एम्प्टी द टू, दोनों फिल कर रहे हैं ना, 2 पाइप्स वर ओपनड आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट पाइप वाज, पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यार, देखो 20 और 30 का मुझे पता है 1.5 गुना है, 3 और 2 ही आती है हमेशा, है ना, इसकी 3 आएगी इसकी 2 आएगी, यहां 60 आ जाएगा, लिख लेते हैं, ऐसा करना नहीं है ना, दोनों को नहीं पूछा उसने, दोनों खोल दिए स्टार्टिंग में उसने, कुछ टाइम बाद उसने ए बंद कर दिया, उस सारा काम 18 मिनट में खत्म हो गया, तो आसान सवाल है, 18 में ए बंद कराया ना, बंद करने के बाद 18 में हुआ, हाँ कुछ टाइम हमें नहीं पता कितने टाइम में, तो बी तो था, बी तो हाँ बी, हाँ बी तो पूरे दिन था ना, 18 का 18 दिन बी तो था, ठीक है तो बी ने कितना काम कर दिया, 36 काम कर दिया, 18 दिन करा तो 2 के 36 काम कर चुका है, इसका मतलब 24 काम करके गया था ए, तो कितने दिन काम कर गया ये, 8 दिन काम करके गया, सवाल में देख लेना पूछा क्या है, 8 दिन ये था, ठीक है इसका मतलब 18 में टोटल काम हुआ है ना, इन 18 में से 8 दिन तो था ये, लेकिन 10 दिन नहीं था, तो अभी सवाल में देख लेना क्या पूछा इसने, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ द, कौन से सवाल थे, 33 हाँ बी कंटिन्यू रहा, बी का तो कर लिया ना हमने सारा काम, 18 दिन का कर नहीं लिया हमने, ये तो 18 दिन का तब का है जब ए चला गया, नहीं 18 में सारा काम खत्म हुआ है, एक बंद कर देता है और सारा काम 18 मिनट में खत्म हो जाता है, नहीं इंग्लिश में पढ़ो, कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है, हाँ उसके बाद थोड़ा क्या रखा है, उसके जाने के बाद 18 मिनट नहीं भरता, टोटल 18 मिनट में भर जाता है, पहली बात तो अगर तब टैंक 18 मिनट में भरा जा रहा है, ठीक है तो टोटल 18 मिनट में भरा जा रहा है,
ठीक है, वो मेंशन करेगा उसके बाद, अगर ऐसा होगा ना उसके जाने के बाद 18 मिनट लगती हैं तो वो मेंशन करेगा इस चीज को, नहीं कर रखा था तो टोटल 18 मिनट में। तो बी तो स्टार्टिंग से एंड तक रहा होगा, 18 दिन पूरे रहा होगा, तो बी ने कितना काम करा होगा, 36, बचा 24, 24 कौन करके गया फिर, एक या फिर 3, तो ए ने 8 दिन काम करा है। अगर सवाल में ये पूछा है कि ए कितने दिन प्रेजेंट नहीं था, 10 दिन, तो 10 दिन प्रेजेंट नहीं था। इसने पूछा क्या, पहला पाइप After how much time of the start the first pipe stop? पहला पाइप 8 दिन बाद बंद करा गया है ना। ऐसा भी सवाल हो सकता है ना, कितने दिनों बाद इसने ज्वाइन करा, मतलब कितने दिन काम करा इसने, है ना, नहीं सवाल चेंज कर सकते हैं ना, मतलब 10 पूछने के लिए, हाँ 10 दिन नहीं करा उसने, है ना। ऐसे पूछ सकते हैं, बी ने अकेले कितने दिन काम करा, 10 दिन करा अकेले काम उसने, है ना, हाँ वैसे 18 दिन करा अकेले, तो वो 8 दिन उसके साथ था, वो अकेले वो 8 दिन था, 8 दिन, 10 दिन। अभी आपने कहा कि वो 8 दिन उसके साथ था। हाँ, और 10 दिन वो अकेला। 8 दिन आए, इन 8 दिनों में उसके साथ था। तो फिर हमने 24 को उसकी पूरी एफिशिएंसी से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि उसका काम में पूरा 18 दिन का अलग ले चुका हूँ। अच्छा, बी का तो अलग ही निकल गया ना, वो एक अच्छा। एक बी का सारा स्टार्टिंग से एंड तक ले चुके हैं ना, उसके साथ से क्या मतलब है, वो तो तब भी अपनी 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा ना। तो बी स्टार्टिंग से एंड तक मतलब 18 दिन काम कर रहा है, तो बी का हमने काम बिल्कुल अलग कर ही लिया, ठीक है। तुम ऐसे नहीं कर सकते ना, फिर तुम्हें क्या पता कितने दिन बाद गया वो, कैसे करोगे, कैसे करोगे, किस टाइप किस टाइम से इंटू करूँ बी की एफिशिएंसी को, कि अकेले काम करा है, वही तो नहीं पता, वही तो निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 बताओ, चलो। टू पाइप्स पी एंड क्यू फिल अ सिस्टर्न 12 और 15 मिनट में, बोथ आर ओपन टुगेदर बट, अच्छा दोनों पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्या आएगा 60, 5 और 4, पी पहला है क्यू दूसरा है, बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट पी स्टैंड आउट, पहले 3 मिनट काम करवा लें इनसे, 27 काम हो गया, बचा 33, कौन चले गया, ये चले गया, हाँ तो चार गेम, इन हाउ मेनी मोर मिनट्स विल क्यू, इसके बाद कितना टाइम लेगा क्यों भैया, क्यों इतना टाइम लेगा इसके बाद, 8 1/4 जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आसान सवाल है, अगला करो चलो, ये टाइम एंड वक्त के ही सवाल हैं, पाइप एंड सिस्टम का तो आया नहीं है कोई सब इसमें, शायद वो अंकित भाटी सर की बुक में है, इसमें नहीं है, जिसके कहता है कि 10 इनलेट पाइप है, इसके साथ कितने आउटलेट पाइप लगाए हैं सेम एफिशिएंसी के, जो काम इतने दिनों में हो जाए, कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं वो। चलो क्वेश्चन नंबर 35, देयर आर टू पंप्स टू फिल अ टैंक विद वाटर, फर्स्ट पंप 8 आवर्स में भर रहा है, सेकंड पंप 10 घंटे में, क्या भर रहा है ना, दोनों भर रहे हैं इनलेट, इफ बोथ द पंप्स आर ओपन, पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 40 ये 5 ये 4, अच्छा ये पूछा कितना भाग भर जाएगा, यार ये तो वैसे वैसे भी कर सकते हैं ना, अब कर ले, कितना भाग भरेगा, द पार्ट ऑफ द टैंक दैट विल बी फिल्ड अप इज 9 चौक 36, तो 36/40 मतलब 9/10 है कुछ ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नहीं तो देखो मैंने कैसे लिख रखा है, 1/2 कैसे आया, ए 8 दिन में काम कर सकता था, उसने कितने दिन काम करा, 4 दिन, तो 4/8 प्लस इसने भी 4 दिन ही काम करा और करता कितने दिन, 10, तो ये इतना पार्ट कर चुका होगा, इतना पार्ट कर चुका होगा, ये आ गया 1/2, हाँ तो 1 मिनट से घटा देते हैं ना, लेकिन इसने पूछा कितना करा है, ये ऊपर 5, 5 और 4, 9, 9/10, सीधा ऐसे भी कर सकते हैं ना। चलो 36, टू पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली, अ टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स, अच्छा दोनों मिलके 12 घंटे में भर ले रहे हैं ना, ये कह रहा है, टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, अ टैंक इज फुल, अच्छा दोनों मिलके 12 घंटे भरे, वन पाइप विल, अरे तो वही हो गया, 20-30-12 वाला, 20-30-12 वाला, स्लोअर वाला 20 ले रहा होगा, ज्यादा वाला 30 ले रहा होगा, वही सवाल रिपीट हुआ है, सबसे पहले 12 है, सबसे पहले 12 है, 12 का दुगुना करेंगे क्या आएगा 24, तो एक बंदा 24 दिन से ज्यादा लेगा और एक बंदा 24 दिन से कम लेगा, पहली बात इसमें पूछा कौन सा वाला है, फास्टर वाला पूछा है, हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप, फास्टर वाला पूछा तो दिन कम लेगा, जो फास्ट कौन होता है जो दिन कम लेता है, तो इसका आंसर मतलब आंसर 24 से कम आएगा, 24 से कम, मैं बताता हूँ 24 से कम सारे ऑप्शन है, सारे हो सकते हैं, अब हम सारे ऑप्शनों में 10 जोड़ के देखेंगे, 24 से ऊपर आना चाहिए वो, जैसे पहला 20 है, 20 में 10 जोड़ूंगा 24 से ऊपर आ गया, ये हो सकता है, 18 में 10 जोड़ा 28, ये भी 24 से ऊपर निकल गया, मुझे पता था उसे 24 से ऊपर होगा, है ना,
तीसरा ऑप्शन क्या है, 15 में 10 जोड़ा, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पास हो गया है ना, एवरेज में ऐसा होता है, हमेशा बीच में होता है, ठीक है, तो ये भी चेक नहीं करूंगा मैं पहले, और 12 में 10 जोड़ा 22, ये तो हो ही गया है, तो खत्म ही हो गया है ना, 12 खत्म हो गया, 12 में 10 जोड़ा 22, अभी भी ये 24 से ऊपर नहीं गया धूप, है ना, तो 12 वैसे ही खत्म, 15 इसलिए चेक नहीं करूंगा कि बिल्कुल 24 का पास ही हो गया, ठीक है। एक इस तरीके का अच्छा सवाल है, पता नहीं कौन सी बुक में है, वो हमने इसी तरीके से करा था, चलो 20 और 18 बच्चे, और इसमें सबसे पहले आसान किस में है, 20 से निकालना आसान है, कि जैसे 18 और 28 बनेगा, एलसीएम लेने में दिक्कत होगी, सबसे आसान कौन सा बटेगा, 20 और 30, ठीक, यहां से निकालो, अगर इससे आ गया तो ये आंसर, इससे नहीं आया तो दूसरा आंसर, हम चेक कौन सा करेंगे, हमें तो पता है डेढ़ गुना है, तो इसका डबल कर 60 और 5 डिवाइड कर दे, 12 आ गया, ये आंसर है, ये तो रटा कहता ना, रटा पड़ा है 20 30 12 वाला, यही आया है, एक जो तुमने आज पूछा है वो चेंज हुआ है ना, 24 आ रखा था उसमें, उसमें भी क्या उन्होंने दुगना कर दिया, उसे 24 कर दिया, ठीक, उधर 20 का 40 कर दिया और उसका शायद 60 कर दिया, ऐसे तो हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था ना, सारी चीज दुगनी कर दी थी शायद, चलो 2 5 चलो जो भी है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 37 कौन सा, हाँ ये तो मुझे रटे पड़े, अरे इतनी बार सवाल करी मैंने, बुक 5-6 बार करी है, है ना, मुझे अभी तक रटने तक मैं एक साल में नहीं बोला, 20-30 बार है, चलो अरे तुझे पीएचडी करनी है क्या, इसी पूछ रहा है क्या, वही मेरे दिमाग में आ रही था, आप तो चलो दो बार समझ लिया हमने, आज आज में आ गया, तो यही दिमाग में बैठा, इसी बार मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बार बार प्रैक्टिस कर, तो इसे तार को तो नहीं लाता ना बीच में, मुझे लग रहा है, हां तार किताब के नीचे क्यों नहीं है भाई, नहीं रिया आदमी है ऐसी है, तार को पहले सही कर, अरे जो तेरे पीछे छोटी सी बुक रखे वो रख दे, अभी खींचेगा नहीं, सारी वीडियो ब्लर हो जाए क्या फायदा, देखते हो तुम, हां भैया मैं 50 क्वेश्चन करते जो मुझे प्रॉब्लम होती है मैं वीडियो बस देख लेती हूं, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 37, 2 पाइप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ सिस्टम इन 24 32, ठीक है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन पहले ये एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना, 32 8 कॉमन ले लो, 12 8 कॉमन ले तो 8 ऐसे लिख दूंगा, यहां से क्या आया 3, यहां से क्या आया 4, ये टोटल वर्क हो गया हमारा, है ना, जब 3 और 4 बचे तो 4 इधर यहाँ 3, ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई, क्या पूछा है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड वाई बी क्लोज टू दैट, सो दैट, देखो वही सवाल हो गया, वाई क्लोज करना है, ये क्लोज करना है, तो ये तो स्टार्टिंग से एंड तक काम कर रहा है, तो इसने तो 18 की एफिशिएंसी से, मतलब 4 की एफिशिएंसी से 18 दिन काम कर रहा है, तो ये 72 काम निपटा चुका है, ये कितना हुआ 4 थी 12 और 12 8 है 96 आया ना, ठीक है, तो 72 काम हो चुका है, 24 काम बचा है, इसका मतलब 24 काम ये करके जा चुका है, कितने कैप्शन से, 3 कैप्शन से, मतलब ये 8 दिन था, ये 8 दिन था, ठीक है, कितने दिन नहीं था, टोटल 18 दिन काम हुआ है, तो ये भी 10 दिन नहीं था, तो जो भी पूछा वो देख लेना, क्या पूछा इसने, कितने समय बंद कर दिया था, हाँ तो भैया 8 दिन बाद बंद कर दो, वरना ज्यादा काम कर जाएगा वो, ठीक, हाँ वही हमें दिन कहने की आदत पड़ गई है, चलो क्वेश्चन नंबर 38, 3 पाइप है 6 9 12, पहले ये निकालना पड़ेगा 6 9 12 क्या आएगा एफिशिएंसी, 36 पक्का, 36 आ रही है, 6 4 3, ठीक है, ए बी सी, बी और सी, ये हर घंटे की है ना, ये हर घंटे की है, तो 7 कर रहा है तो 3.5 करेगा ना, आधे घंटे के लिए खोला है, तो 3.5 काम हो चुका है, आगे टाइम टेकन बाय 3 पाइप्स टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट का पूछ रहा हूं, है ना, 32.5 काम बचा हुआ है, जिसे इन तीनों ने 10 और 13 की एफिशिएंसी से कराया, 13 से कट रहा है, सिर्फ आधे घंटे खोल, आधी एफिशिएंसी कहां का रखा है इसने, आधी एफिशिएंसी इसने कहीं नहीं कहा, उसने केवल आधे मिनट, वो 30 मिनट के लिए कहा था, हमने आधा इसलिए करा था, ठीक है, एफिशिएंसी की आधे की कहीं भी बात नहीं है सवाल में, 25 बार कितना, 25 बार कट रहा है, 2.5 आएगा, ठीक है, तो 2.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और वैसे भी देख ही रहा था ना, ये 26 और 39 के बीच में है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन सी है बस,
कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। चलो अगला देखो 39 इसके दुगने से ज्यादा है इसलिए ढाई। हां 26 से ऊपर है ना, और तीन ट्रिपल भी नहीं है, तीन भी नहीं क्योंकि 39 भी नहीं है, 39 से कम है, तब तीन से ऊपर आते हैं। हां 39 वाला सवाल देखो, 30 मिनट और 60 मिनट में भर ले रहे हैं, दोनों भरने वाले हैं, 5 मिनट तक भर दिया है, दोनों भरने वाले हैं ना। इफ बोथ द टाइप्स आर कैप्ट ऑन फॉर 5 मिनट्स एंड देन फर्स्ट स्टेप, सेम वैसे ही सवाल है यार ये तो। एफिशिएंसी क्या है इसकी, इसकी 2 इसकी 1 काम 60 दोनों, वो तो तब कर सकते करते जब ये दोनों का पूछते दोनों कितनी देर में करेंगे, तो ये दुगनी है तो 60 बाई 3 कर देता, 20 दिन में दोनों मिलकर कर सकते थे, लेकिन सवाल ये नहीं है ना, सवाल कुछ और है। 5 मिनट के लिए तो 3 × 15 हो चुका है, 45 बचा है, अब क्या करना है, पहले को बंद कर दिया तो 45 में बचा हुआ काम होगा, चेक कर लेना टोटल तो नहीं पूछा, टंकी को भरने में तो टोटल पूछा है वो, अगर टंकी को भरने में पूछा तो टोटल पूछ रहा है, चेक कर लेता हूँ, तुम बताओ क्या क्या लग रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर द टैंक टू बी फिल्ड, नहीं टंकी को भरने में पूरा टाइम लगेगा, लेकिन लैंग्वेज वही है है ना, इसमें नहीं है तो अलग बात है ना। नहीं सही तो बोलो, बंद होने के बाद तो कितना समय लगा, नहीं फुल स्टॉप आ गया ना बीच में, टंकी को भरने में तो पूरा टाइम बताएंगे ना, शेष काम के लिए शेष देता है, इसमें लैंग्वेज में पूरा ही काम बताना है हमें, ठीक है, वो हमेशा रिमेनिंग देता है, ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है टाइपिंग एरर हो, है ना, तो इसके चक्कर में एग्जाम में गलत मत कर लेना है ना, शेष काम में कौन से सवाल में उसने रिमेनिंग नहीं कहा बताओ, कहा है ना, जब पूरे जब उसने कह रखा टंकी कितने देर भरी, तो टंकी नहीं वो पूरा कभी नहीं बोलता, वो शेष में बोलता है बस, कहीं बोला उसने पूरा, कहीं दिखाया तुम्हें कंप्लीट, बोला उसने कभी पूरा, कहीं नहीं मिला, नहीं या तो टंकी कितने देर में, टंकी कितने में भरता है या शेष काम कितने में होता है, ये दो शब्द का इस्तेमाल करता है वो बस, टंकी कितने में भरी जाएगी या शेष काम कितने में पूछा, इन दो का देखा मैंने तुम्हारा, इंग्लिश में रिमेनिंग वर्क पूछता है या पूरा पूछता है उसका। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पूरा निकालना, इसने कुछ नहीं कहा ना, वो शेष देगा तुम्हें अगर शेष पूछ रहा होगा वो, ठीक है क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट वाले में शेष दे रखा है, देखो इसमें ऐसे बोल रखा है तुम्हारे हिसाब से वैसे आना चाहिए फिर, ठीक है टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 और 45, 36 और 45 है, 180 आएगा मुझे पता, अच्छा 30 भी तब भी 180 ही आएगा, ठीक है देखिए ना जाएगा 5, 4 और 6 तो कितने यूनिट काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है, ये आउटलेट है ना बस। चलो अब क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं, तो पहले ए और बी से काम करवाओ, कितना काम हुआ 3 मिनट काम, 7 मिनट 5, 9, 9, 67 कितना काम बचा है अभी, 17 बचाए हैं, 17 बचाए यहाँ से, 117 107 बता रहे हैं, 117 है, 107 तो वैसे भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड होगा, 39 आ रहा है, हाँ तो चेक करते हैं इसने क्या टोटल क्या रखा है, जो ये कह रहे थे कि टोटल कहता है वो, तो पिछले वाले में क्या क्या रखा था, एक ही बात नहीं है उसमें, टाइपिंग में एरर हो सकती है वो, उस सवाल में मिसिंग थी, उसका आंसर 50 है, ठीक है उसका आंसर 50 है, तो उसने वहां पे शेष मिसिंग कर दिया बस, सारे सवाल कहता हूं या तो टैंक पूछा है कितने देर में भरा गया, अगर रिमेनिंग का पूछा तो कहता है रिमेनिंग कितने देर में भरा गया, शेष कितने देर में भरा गया, ठीक है बात, नहीं यकीन तो जाकर फिर सारे सवाल चेक कर लेना, ठीक। अ टैप ड्रिप्स एट अ रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकंड, ठीक है हर सेकंड में एक ड्रॉप गिरती है एक टैप से, 600 ड्रॉप्स मेक 100 ml, 600 ड्रॉप से 100 ml बनता है, द नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड इन 300 डेज, ओ बेटे इतने टाइम में पूछा इसने, तो आ गया सवाल समझ में, सवाल नहीं समझ में, सवाल पढ़ो पहले, किसको सवाल समझ में आया कौन बताया, हर एक सेकंड में एक बूंद गिरती है, मतलब हर एक मिनट में 60 बूंदें गिर रही हैं, मतलब हर एक घंटे में 360 36 बूंदें गिर रही हैं हर एक घंटे में,
इसका मतलब हर दिन में कितनी कर रही है? 24 इतना, ठीक है। लेकिन इससे लीटर कितना? इंटू 300 कर लेंगे तो इतनी बूंदे गिरेंगी, ठीक है। इंटू कर लूंगा उससे हाफ, नहीं 1/6 कर लूंगा, ठीक है। 600 बूंदों से देखो, मैं बताता हूँ, चलो कर लोगे ये मैं बताऊं। एक ड्रॉप एक सेकंड में, एक ड्रॉप एक सेकंड में, ठीक। 60 ड्रॉप एक मिनट लिख दूं, एक मिनट है ना, कि 60 सेकंड मतलब एक मिनट। एक घंटे में 3600 कितने में हो गए? एक आर में, ठीक। अब एक काम कर लेते हैं, यूनिट चेंज कर लेते हैं, इसे लीटर में ले आते हैं। इसने एक चीज वो कह रखी है, 600 ड्रॉप में लेके 100 ml बनता है, तो इसे ml बना लो, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 600 से 3600 बनता है, तो इसे 3600 कैसे बनाऊंगा? तो 600 ml बन जाएगा, तो मतलब ये 600 ml एक घंटे में बात कर रहा है। इंटू 24 करा तो एक, नहीं हाँ ये 1 hour था ना, इंटू 24 करा तो एक दिन आया, और इंटू कितने दिन? 300 दिन पूछा था, इंटू 300 कर लूंगा, तो इसमें इंटू 24 करना है पहले और फिर इंटू करना है 300। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसमें जीरो कितनी आ रही है? 1, 2, 3, 4, जिस ऑप्शन के पीछे 4 जीरो है वो आंसर है। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कन्फर्म कर पीछे जाके। जीरो का ही खेला इसमें सारा, था सब 432 है, लीटर में है ना, तो 3 0 हटाओ, एम एल है ना ये, 3 0 हटाओ, 1, 2, 3 अभी मिली लीटर की जगह लीटर, ठीक। 1 0 जिसके पीछे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सारे आए हुए क्वेश्चन है, कौन सा आया हुआ क्वेश्चन नहीं है ना? मैं मतलब इसमें सारे ही आए हुए हैं, इस बुक का नाम ही प्रीवियस ईयर है, ठीक। ये बुक का नाम बड़ो बार क्या है?